मैं उत्तराखंड, मेरी अपनी अलग एक पहचान है। हो रहा है पलायन थोड़ा, पर आज भी मुझ में जान है। कुछ तो अपने ही बस यूं छोड़ के चल दिए, वो तो संभलते से घर को भी तोड़ कर चल दिए। पुरवा पुरवा रहा बनाई, बस राही आना भूल गए। अब तो मेरे अपने मुझसे जाने कितना रूठ गए। पलायन का ये दर्द जो उत्तराखंड झेल रहा है, इसे लाइनों में पिरोया है भागवत नाम के एक व्यक्ति ने। सोशल मीडिया पर ये कविता कुछ वायरल है, लेकिन तस्वीरें हकीकत दिखाती हैं। ये तस्वीरें जो रानीखेत की हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूर्व विधायक करण महारा की बात कर ली जाए या वर्तमान विधायक प्रमोद नैनवाल की बात कर ली जाए, सांसद अजय टमटा की बात कर ली जाए, कुछ भी नजर नहीं आता कि इस पलायन को रोकने के लिए किसी व्यक्ति ने कुछ किया हो। ये टूटा हुआ घर पलायन का दंश झेले हुए लोगों की कहानी खुद ब खुद बयां करने के लिए काफी है, लेकिन आखिर यहाँ क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए मेरे सहयोगी दीपक जोशी की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम दीपक जोशी है, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दास्ता पलायन की एक ऐसी कहानी जिसको देखकर आप भी विवश हो जाएंगे रोने के लिए। पहाड़ की इस जिंदगी के इस कड़वे सच को अनुभव करेंगे और देखेंगे कि पहाड़ की स्थिति आज क्या हो गई है। अब मेरे ठीक पीछे देखिए, ये पहाड़ में बना हुआ पुराने जमाने का एक घर है और यह घर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के प्रतीक थे। आज यही घर यह हमारे लिए अभिशाप बन गए हैं। इनको जब हम छोड़ के जा रहे हैं, यह हमारे घर नहीं, कीटों के, जंगली जानवरों के घर बन गए हैं। ये देखिए कितनी छोटी खिड़की है यहाँ पर, जिसे छाजा कहते थे तब। यह छाजा है जिससे यहाँ पर एक महिला बाहर को देख के अपने सपनों को देखती होगी, यहाँ से अपने बच्चों के सपनों की उम्मीदों को लेकर दूर पहाड़ को देखती होगी और यहाँ उसकी आजीविका के साधन गाय भैंस रहते होंगे। देखिए जब भी पहाड़ों में हम जाते हैं तो सिर झुका के जाना पड़ता है। कहा जाता है पहाड़ों में जब आप तरक्की करोगे, सिर झुकाना पड़ेगा आपको तरक्की से पहले। इतनी छोटी जो चौखट बनी होती थी और नीचे यहाँ हम जाते थे, ये गोठ था उस जमाने का। आज इसके हालात देखो, क्या पलायन आयोग जो बना है बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे ये चीज दिखाई देती होगी? क्या पलायन आयोग ऐसे पहाड़ों में आके ये चीज को अनुभव करता होगा कि इन मकानों के पीछे की कहानी, इन मकानों के पीछे के सपने, इन मकानों के पीछे जिंदगी में कुछ बड़ा करने की जो चाहत थी वह पूरी हो पाई? ना यहाँ कुछ भी सुविधाएं, न शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकार जिसे हमारे संविधान ने मौलिक अधिकारों के अंदर रखा है। जब हमें अपने मौलिक अधिकार नहीं मिलेंगे तो विवश होकर शहरों की ओर पलायन करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ दुमजला मकान है, आज ये देखिए यहाँ पूरा टूटा हुआ है, होल बने हुए हैं। आइए मैं तुमको पूरा ही दिखा देता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। अंधेरा है लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि पलायन की कैसी दास्ता है और किस रूप से आज हमारा ये जो पलायन की मार पहाड़ झेल रहा है यह किस रूप में चले गया है। चारों तरफ आपको अंधेरा मिलेगा और जो रोशनी आ रही है यह आगे से नहीं ऊपर से आ रही है, क्योंकि ऊपर की छत भी टूटी हुई है, खोखला बना हुआ है। अभी मैं आपको ऊपर भी ले चलूंगा, जो इसका दुमजला मकान था उसे भी हम दिखाएंगे, क्योंकि यह मकान केवल एक मकान नहीं था, यह आज एक बंजर खंडहर नहीं है। यह वह सच्चाई है जो हम देखना सुनना पसंद नहीं करते, यह वह कहानी है जिसे आज देहरादून, हल्द्वानी जैसे बड़े शहरों में बैठे हुए नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि पहाड़ आज भी अपने सपनों से दूर, अपने उम्मीदों से दूर, कहीं दूर अंधेरी नगरी में बसा हुआ है। यह जो तस्वीरें हैं यह अपने आप में बताती हैं कि पहाड़ के सपनों को हमने किस तरीके से विवश कर दिया, मजबूर कर दिया शहरों की ओर एक किराए के कमरे में रहने के लिए। मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ,
मुझे इसको दिखाने में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। हम पहाड़ों की खूबसूरती आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, दरवाजा यहाँ पर नहीं खुल रहा है, लेकिन मैं अंदर गया हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ वह लोग सोते थे, ये बेडरूम होता होगा, लेकिन आज यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ अलमारी थी, इस अलमारी में गाय भैंसों के दूध दही को रखा जाता होगा, क्योंकि पहले उस तरीके से प्राकृतिक रूप से जो सच में दही दूध को खा के यहाँ के लोग बड़ी उम्मीदों के साथ मेहनत के साथ काम करते थे, वह आज शहरों में नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप थोड़ा अंदर आइए, दरवाजा खोलता हूँ मैं, लेकिन खुल नहीं रहा। लेकिन आप देखिए, मैं इससे ज्यादा अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि कीट जो हो सकते हैं, बड़े कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखाने के लिए यहाँ जा रहे हैं कि किस तरीके की पलायन की कहानी आज हमारे पहाड़ों में हो गई है। यहाँ जब मेहमान आते होंगे, बैठते होंगे, यहाँ कहीं रसोई होगी, यहाँ खाना बनता होगा, खाना खा के उनके बच्चे अपनी नौकरी की तलाश में जाते होंगे, वह यह उम्मीद लेके कि हम पैसे कमा के फिर पहाड़ आएंगे, पहाड़ को बदल देंगे, लेकिन हम नहीं बदल पाए। यह पूरा टूट चुका है, यहाँ अब कुछ भी नहीं है। जो मकड़ी होती है, बड़वे हम कहते हैं पहाड़ में, उसके जाले आपको खास तौर पर यहाँ पर दिखाई देंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है, यहाँ आज केवल चूहे रहते हैं, चूहों का घर है, इंसानों का घर नहीं। अभी इंसानों का घर रहने वाला यह क्षेत्र आज चूहों का घर है। चूहे को कितनी सुविधा मिल गई पहाड़ों में, लोगों को कभी सुविधा मिली नहीं मिली। इसके लिए जिम्मेदार कौन? आप, हम नहीं। इसके लिए हम और आपके साथ साथ वे सरकारें, वे नेताएं जिम्मेदार हैं, वह नेता जिम्मेदार हैं जिन्होंने पहाड़ की दास्ता को बदलने की कसम खाई, हर चुनाव में कहा हम पलायन को रोक देंगे, पहाड़ों में रोजगार देंगे, नहीं दिया, विफल रहे। और यही कारण है आज इस स्थिति में हम अपने इस पहाड़ को देख रहे हैं। यह हमारे लिए कितनी दुखद बात है, कितने सोचने वाली बात है। क्या हम शहरों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से पलायन आयोग की रिपोर्टों के आधार पर कुछ निर्णय ले सकते हैं? नहीं, हमें जरूरत है पहाड़ों में आके पहाड़ की स्थिति, पहाड़ की समस्याओं को जानने की, पहाड़ के भौगोलिक स्थिति को समझने की, यहाँ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य मुहैया कराने की, तब हम इस पलायन को रोक सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से नीचे चले जाऊँगा तो क्या होगा, चोट लग सकती है, लेकिन हमारे दिलों में इससे भी भयंकर चोट लगी हुई है इस पलायन के कष्ट के कारण। तो मैं चाहता हूँ कि पहाड़ों में इस तरीके के जो खंडहर हैं, मकान हैं, इनको ऐसा बनने से रोका जाए। वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि पहाड़ों में मूलभूत सुविधाएं मिले और उस आधार पर हम पहाड़ों के इस पलायन को रोक सकें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप पलायन की इस दुखद घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय, अपनी जो भी प्रतिक्रिया है, हमें कमेंटों के माध्यम से दीजिए और बताइए इस दास्तां में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। और उन नेताओं से पूछिए जिन्होंने आपको आज तक का बेवकूफ बना रखा। मतलब जब हमारा उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, उसके बाद भी आज तक हम क्यों उत्तराखंड को विकसित नहीं कर पाए? क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो कल्पना थी, एक ऐसे राज्य के तौर पे थी कि हम आने वाले कुछ वर्षों में एक विकसित राज्य, देश के अलग राज्यों की तर्ज में हम विकसित होंगे, लेकिन नहीं हो पाए। जैसे तब थे वैसे ही आज भी हैं, और ऐसे ही नहीं बने रहना है। ऐसा नहीं बने रहना है तो आवाज़ उठानी होगी, बात करनी होगी। तो देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद, और हमारी टीम पहाड़ में जा जा के आपको ऐसी अनेक दास्तां बताते रहेगी जिससे हम पहाड़ के दुख दर्द को समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय उत्तराखंड।